बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों फिल्म मेकर अयान मुखर्जी के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन कर रहे हैं। फिल्म के साथ ही साथ इसके स्टार कास्ट भी अलग अलग वजह से खबरों में बनी हुई है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान आलिया, रणबीर और अयान दिल्ली आ पहुंचे। दिल्ली में प्रेस मीट के दौरान बीच में रणबीर ने अपनी आखिरी रिलीज फिल्म शमशेरा के फ्लॉप होने की वजह बताई। शमशेरा में रणबीर के साथ ही संजय दत्त और वाणी कपूर भी लीड रोल में थे। फिल्म शमशेरा के फ्लॉप होने के सवाल पर रणबीर कपूर ने कहा कि अगर शमशेरा बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई तो इसका मतलब ये है कि दर्शकों को फिल्म पसंद नहीं आई। फिल्म नहीं चली क्योंकि उसका कंटेंट अच्छा नहीं था। जी हाँ, आपको याद दिला दें कि इससे पहले संजय दत्त ने भी फिल्म को लेकर एक लंबा चौड़ा नोट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक न एक दिन फिल्म को अपनी ट्राइब मिल जाएगी। जब तक मैं फिल्म से जुड़े उन लम्हों और पहलुओं संग जुड़ा रहूँगा। जो मेहनत हमने की और जो खुशी हमें मिली, संजय ने पोस्ट के आखिरी में लिखा था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ, आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र को भी बायकट झेलना पड़ रहा है और सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि ज़मीनी तौर पर भी असर दिख रहा है। हाल ही में रणबीर, आलिया और अयान मुखर्जी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों के भारी आक्रोश के चलते रणबीर और आलिया को बिना दर्शन के ही लौटना पड़ा। याद दिला दें कि रणबीर कपूर का बीफ को लेकर दिया गया एक पुराना बयान काफ़ी चर्चा में है। फिल्म ब्रह्मास्त्र 3 पार्ट्स की फिल्म है। पिंक विला ने इसको लेकर अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि दूसरा पार्ट महादेव और पार्वती पर आधारित होगा। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि ब्रह्मास्त्र 2 महादेव और पार्वती के किरदार के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। बता दें कि ब्रह्मास्त्र के पहले पार्ट में रणबीर और आलिया मेन लीड में हैं, जो शिव और ईशा का किरदार निभाते नजर आएंगे। आपको बता दें कि शिव और ईशा भी महादेव और पार्वती के ही नाम हैं। सूत्र ने बताया कि सभी किरदार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अयान ने इंडियन मैथोलॉजी से जुड़ा एक यूनिवर्स बनाया है। फिल्म में ऐसा कुछ दिखाया गया है जो कभी भी पहले नहीं देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।